जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ एक और नई वीडियो को लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात हैं ये, आप देख रहे हैं एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन हो चुके हैं। जलप्रपात से संबंधित बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में रेगुलर देखने को मिल रहे हैं आपके। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को और पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से देखेंगे सभी जलप्रपात को, कौन सी नदी पर स्थित हैं, कहां पर स्थित हैं, ऊंचाई कितनी है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर एमसीक्यू की तरफ भी चलेंगे और लगभग जलप्रपात से संबंधित अपन 20 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जहां से आप और भी अच्छे तरीके से ये जो क्वेश्चन रहेंगे और भी अच्छे तरीके से आपके दिमाग में ये सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे इसे पहले जलप्रपात के साथ में और सबसे ऊँचे जलप्रपात के साथ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो क्या करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके करना है बेल आइकन को प्रेस, ताकि मिलती रहे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे ही यहां पर वीडियो अपलोड हो तुरंत। तो चलिए दोस्तों, पहला जलप्रपात जो यहां पर अपना बन जाता है कौन सा बन जाता है, चचाई जलप्रपात है। कौन सा? चाचा जी जलप्रपात, इसे हम कह सकते हैं चचाई जलप्रपात। ठीक है, 130 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी? 130 मीटर ऊंचाई है। कहां पर स्थित है? तो बीहड़ नदी पर स्थित है, स्थान हो जाता है आपका रीवा। ठीक है, चचाई जलप्रपात है, बीहड़ नदी पर है, 130 मीटर इसकी ऊंचाई है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात। ठीक है, बीहड़ नदी पर स्थित है। तो कहां पर स्थित है दोस्तों चचाई, ऐसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जो चाचा जी हैं ये बीहड़ नदी में रहते हैं। ठीक है, बीहड़ नदी में रहते हैं और 130 मीटर लंबे हैं, तो इस प्रकार से आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा ये। ठीक है, सबसे ऊंचे हैं चाचा जी। अगला क्वेश्चन है अगला जो जलप्रपात है ये है बहुटी जलप्रपात। ठीक है, बहुटी जलप्रपात कहाँ पर है? ये सेलर रिवर रीवा में स्थित है। ठीक है, बहुटी जलप्रपात कहाँ पर? रीवा में स्थित है, सेलर नदी पर। अगला क्वेश्चन है धुआंधार। देखिए, धुआंधार हो चाहे आपका दुग्ध धारा हो, कपिल धारा हो या सहस्त्र धारा हो। ठीक है, तो देखिए जिसमें अंत में धारा आता है, कौन क्या आता है? धारा आता है, धारा। देखिए ट्रक के माध्यम से याद करते हैं, धारा आता है, ये सभी किस पर? नर्मदा नदी पर आपके स्थित हो जाते हैं। तो धुआंधार में पीछे क्या आता है? धार आता है। दुग्ध धारा में क्या आता है? पीछे धारा आता है। कपिल धारा में क्या आता है? पीछे धारा आता है। सहस्त्र धारा में क्या आता है? आपका धारा आता है। तो ये चारों स्थित हो जाते हैं नर्मदा नदी पर। ठीक है, जिसमें से धुआंधार की यदि हम बात करें तो धुआंधार की सबसे ऊंची है, नर्मदा नदी में जितने भी वाटरफॉल हैं सबसे ऊंचा धुआंधार है। कहाँ पर? जबलपुर में स्थित है, सभी जानते हैं, भेड़ा घाट में स्थित है। ठीक है, 30 मीटर इसकी ऊंचाई है, 30 मीटर ऊंचाई है धुआंधार की, जबलपुर में स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार। के बाद में आता है आपका दुग्ध धारा, यह नर्मदा नदी में स्थित है, अनूपपुर में स्थित है, 15 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, कपिल धारा की ऊंचाई की बात करें तो यह 15 मीटर है, अनूपपुर में है, नर्मदा नदी पर है। ठीक है, तो दुग्ध धारा और कपिल धारा, पहले तो ये धार आपको याद रखना है, धार जिसमें आता है ये कहाँ पर? नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, जिसमें से धुआंधार आपका जबलपुर में है और 30 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, नर्मदा नदी के सबसे ऊंचा वाटरफॉल है धुआंधार। दुग्ध धारा और कपिल धारा की बात करें तो ये दोनों अनूपपुर के हैं, 15-15 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, दोनों अनूपपुर के हैं और दोनों की 15-15 मीटर ऊंचाई है, नर्मदा नदी पर ही स्थित हैं। सहस्त्र धारा की बात करें तो इसकी 8 मीटर ऊंचाई है, जो महेश्वर में आपका पड़ता है, महेश्वर में यह स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से ये चारों आपकी नर्मदा नदी से हो जाते हैं। अगला जो आ जाता है यहाँ पर पांडव जलप्रपात, पांडव जलप्रपात। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 30 मीटर, यह पन्ना जो नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क में केन नदी पर स्थित है पांडव जलप्रपात। ठीक है, पांडव जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? 30 मीटर इसकी ऊंचाई है, पन्ना और केन नदी पर यह स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला जो हमारा जलप्रपात यहाँ पर बन जाता है भागलकुंड जलप्रपात। कौन सा? भागलकुंड जलप्रपात, बीना सागर में और ये जो है बीना नदी पर सागर में, 38 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अगला है पोरबा जलप्रपात, तमसा नदी पर रीवा में, 70 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है केवटी जलप्रपात, महाना रीवा नदी, रीवा में यह स्थित है महाना नदी पर, और 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, केवटी जलप्रपात। दूसरा है यहाँ पर दोस्तों, नेक्स्ट है पाताल पानी जलप्रपात, इंपॉर्टेंट है, चोरल नदी पर स्थित है, इंदौर में है और 51 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, कौन सा? पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पर है? इंदौर में है। किस नदी पर है? चोरल रिवर पर है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 91 मीटर है, 91 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, दूसरा है इसके बाद में नेक्स्ट है रने
जलप्रपात यह केन नदी में पर स्थित है, छतरपुर में है, 30 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, रनेह जलप्रपात केन नदी पर है, छतरपुर में है, 30 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद में आता है आपका रजत जलप्रपात होशंगाबाद में, 107 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, रजत होशंगाबाद में 107 मीटर। एक यहाँ पर अपना जो मुख्य जलप्रपात है वो छूट गया है, कौन सा है, तो चंबल नदी पर स्थित है, इसके संबंध में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कौन सा, चूलिया जलप्रपात, कौन सा अपना हो जाता है यहाँ पर, चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है चूलिया की 18 मीटर है। ठीक है, इसके संबंध में एक क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, कहाँ पर स्थित है, तो ये मंदसौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मंदसौर में यह स्थित है। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पर देखते हैं सभी जलप्रपातों को। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर रीवा में 130 मीटर है। बहुटी जलप्रपात सेलर रिवर पर है, रीवा में है। ठीक है, धुआंधार, दुग्धधारा, जल दुग्धधारा, कपिलधारा और शास्त्रधारा, ये चारों आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, पांडव जलप्रपात जो है केन नदी पर स्थित है, पांडव केन नदी पर स्थित है। भागलकुंड बीना नदी पर स्थित है। पुरवा जो है तमसा नदी पर है। केवटी जो है आपका महाना नदी पर है। पाताल पानी चोरल नदी पर है। रेहन रनेह जो है यह केन नदी पर है। और रजत जो है यह किस नदी पर है, तो यहाँ पर इसकी रजत, ठीक है, देखते हैं किस नदी पर है ये आपका रजत जो जलप्रपात है, यह तवा नदी पर है, पचमढ़ी में है। ठीक है, कहाँ पर, तवा नदी पर है और पचमढ़ी में है, पचमढ़ी में। ठीक है, होशंगाबाद नहीं होगा ये दोस्तों, इसका पचमढ़ी होगा। ठीक है, जो रजत जलप्रपात है सिल्वा फॉल के नाम से भी इसे जाना जाता है और ये तवा नदी पर पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, होशंगाबाद में नहीं है, पचमढ़ी में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आपका जो हो जाता है, छतरपुर में केन नदी पर दो जलप्रपात हैं आपके, एक तो पांडव जलप्रपात है, दूसरा आपका रनेह जलप्रपात है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है। पहला क्वेश्चन है, चचाई जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, चचाई जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो किस नदी पर है, चाचा जी कहाँ रहते हैं, बीहड़ में रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बीहड़ में। 130 मीटर इसकी ऊंचाई है, कितनी है, 130 मीटर इसकी ऊंचाई है चचाई जलप्रपात की। कहाँ पर है, तो रीवा में है ये। ठीक है, रीवा में, रीवा से ही उद्गम होता है यहाँ पर बीहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, दोस्तों चचाई जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा है, 130 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है। अगला है, चचाई जलप्रपात किस नदी पर, किस जिले में स्थित है। ठीक है, चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है, तो रीवा में, जबलपुर में, शिवपुरी में या फिर अनूपपुर में। तो दोस्तों चचाई जलप्रपात है ये रीवा जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, रीवा जिले में स्थित है चचाई जलप्रपात। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बहुटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ठीक है, बहुटी, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर यहां पर अपना हो जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए जो स्थित है यह सेलर नदी पर स्थित है। ठीक है, सेलर नदी पर स्थित है और ये जो सेलर नदी है यह बीहड़ की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में सेलर होना चाहिए था, लेकिन यदि ऑप्शन में सेलर नहीं है तो यहाँ पर आपको बीहड़ आंसर करना हो, क्योंकि ये सेलर नदी जो है यह बीहड़ की सहायक है, लेकिन कहीं कहीं इसे बीहड़ भी वहाँ पर बोल दिया जाता है। ठीक है, इसलिए ये आपका इसका जो सही आंसर की बात करें तो ये बीहड़ हो सकता है। ठीक है, कहीं कहीं यदि आप सर्च करेंगे तो आपको सर्च करने पर ये जो बहुटी जलप्रपात है मध्य प्रदेश का, ये आपको मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात नजर आएगा। ठीक है, कहीं कहीं इसमें दिया हुआ है ये मध्य प्रदेश का ऊंचा है, लेकिन मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई ही है, चचाई आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 130 मीटर है और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुटी जलप्रपात किस जिले में है, बहुटी जलप्रपात किस जिले में है। तो बहुटी जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों, तो ये सेलर नदी पर, जिसे कहीं कहीं बीहड़ भी बोल दिया जाता है, ये स्थित है दोस्तों आपका कहाँ, रीवा में। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, डी करेक्ट हो जाएगा। रीवा का जो है सौरमोठ तहसील, कौन सी तहसील, सौरमोठ तहसील, सौरमोठ तहसील, यहाँ पर स्थित है आपका बहुटी जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जबलपुर में है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जबलपुर में है। तो जिसके पीछे धार आता है वो कहाँ पर है, जबलपुर में है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर, धुआंधार जलप्रपात है, ये आपका जबलपुर में स्थित हो जाता है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर, जबलपुर में स्थित हो जाता है। ठीक है, चचाई जलप्रपात कहाँ पर है,
तो जजाई जलप्रपात आपका लीबा में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका बहुटी जलप्रपात है वो भी आपका रीवा में स्थित है, तो ये दोनों रीवा में हो जाते हैं, जिसके पीछे धार आता है जबलपुर में, ठीक है। कैबिटी जलप्रपात की बात करते हैं तो कैबिटी जलप्रपात भी आपका रीवा में है, ठीक है। रनेह जलप्रपात की बात करते हैं अपन, तो रनेह जलप्रपात कहाँ पर अपन ने पढ़ा था, तो रनेह जलप्रपात बनना पड़ा था छतरपुर में, ठीक है। छतरपुर में स्थित है रनेह जलप्रपात, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है दुग्धधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है दुग्धधारा जलप्रपात, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है ये जो दुग्धधारा जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। लेकिन कहाँ स्थित है ये आपको बताना, ग्वालियर, झाबुआ, अनूपपुर या फिर आपका छतरपुर, ठीक है। तो ये अनूपपुर में स्थित है दुग्धधारा जलप्रपात, दो आपके अनूपपुर में है, एक तो आपका दुग्धधारा है, दूसरा कपिल धारा, ठीक है। कहाँ पर है ये आपके अनूपपुर में है, 15-15 मीटर दोनों की ऊंचाई हो जाती है। अगला है चचाई जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो 130 मीटर यहाँ पर चचाई की ऊंचाई है। और जो आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन पेपर में आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि यही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में दोहराए जाते हैं जलप्रपात से, ठीक है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा पर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो सहस्त्रधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका महेश्वर में स्थित है सहस्त्रधारा जलप्रपात, का किस नदी पर है, तो ये आपका नर्मदा पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडव जलप्रपात किस जिले में स्थित है, पांडव जलप्रपात किस जिले में स्थित है, सागर में, पन्ना में, मंडला में या फिर रीवा में। तो पांडव जलप्रपात स्थित किस नदी पर है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, तो केन नदी पर स्थित है। और केन नदी कहाँ से गुजरती है, तो केन नदी पन्ना के बीचों बीच से, पन्ना जो नेशनल पार्क है इसके बीचों बीच से गुजरती है केन नदी, ठीक है। तो कहाँ पर स्थित हो जाएगा ये आपका पन्ना में स्थित हो जाएगा पांडव जलप्रपात। देखिए पी फोर यहां पर पांडा हो जाएगा आपका, ठीक है, और पी फोर आपका पन्ना हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं पांडव कहां पर है, पन्ना में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केबटी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, केबटी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों देखिए केबटी जलप्रपात जो स्थित है आपका रीवा में स्थित है, रीवा में 3-4 जलप्रपात अपने स्थित हो जाते हैं। एक तो अपना जो है बीहड़ नदी पर चचाई हो जाता है, दूसरा अपना केबटी हो जाता है रीवा में, ठीक है। तीसरा अपना बहुटी जलप्रपात हो जाता है, ये भी आपका रीवा में ही स्थित होगा, ठीक है। तो रीवा में अपने 3 जलप्रपात हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रनेह जलप्रपात किस जिले में स्थित है, रनेह जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो देखिए दोस्तों जो रनेह जलप्रपात है यह कहाँ पर स्थित है, आपका छतरपुर में स्थित है, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, छतरपुर में यह स्थित है रनेह जलप्रपात, ठीक है। छतरपुर में किस नदी पर स्थित है, तो पर्वतोप नदी पर स्थित है, पर्वतोप नदी भी इसे बोला जाता है, ठीक है, पर्वतोप नदी बोला जाता है, यहाँ पर स्थित है ये रनेह जलप्रपात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो रानेह जलप्रपात छतरपुर में है, ठीक है, भी भागलकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश में, पाताल पानी जलप्रपात मध्य प्रदेश में, जो जोग जलप्रपात है कौन सा जोग या फिर ऐसे गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये आप याद रखना है, जोग जो वाटरफॉल, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये आपका मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है रजत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, रजत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो रजत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है ये आपको बताना है, 107 मीटर, 91 मीटर, 38 मीटर या फिर 18 मीटर, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई हो जाती है अपनी कितनी हो जाती है, सबसे पहले तो ये कहाँ पर स्थित है, तवा नदी पर ये स्थित है रानेह जलप्रपात, रजत जलप्रपात तवा नदी पर स्थित है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 107 मीटर, ठीक है। रजत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 107 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात कहां पर स्थित है, तो जबलपुर में स्थित है आपका धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो देखिए दुग्धधारा, कपिलधारा और पाताल पानी और मंदधार, ठीक है। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कौन सा, जबलपुर में कौन सा नहीं है आपका, जबलपुर में स्थित नहीं होगा यहाँ पर आपका पाताल पानी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पाताल पानी जो जलप्रपात है ये आपका जबलपुर में स्थित नहीं है, ठीक है। मंदधार की बात करें तो देखिए मंदधार भी आपका जबलपुर में, मंदधार जो है यह आपका जबलपुर में भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, ठीक है। तो ना तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है,
पातालपानी और ना ही यह जबलपुर में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा दुग्धधारा, कपिलधारा ये आपके जबलपुर में है नर्मदा नदी पर। मंधार है तो मंधार भी आपका नर्मदा नदी पर ही है। कहाँ पर है मंधार? तो दोस्तों जो मंधार जलप्रपात है ये आपका हो जाता है कहाँ पर? बड़वाह में। ठीक है, कहाँ पर? बड़वाह में स्थित है मंधार नर्मदा नदी पर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्सरा जलप्रपात कहाँ पर है? अप्सरा जलप्रपात कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो अप्सरा जो जलप्रपात है यह दोस्तों कहाँ पर स्थित है? पचमढ़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पचमढ़ी। ठीक है, पचमढ़ी में स्थित है अप्सरा जलप्रपात। किस कहाँ पर स्थित है? तो ये तवा नदी पर स्थित है, तवा नदी पर स्थित है। देखिए तवा नदी पर एक आपका अप्सरा स्थित है और तवा नदी पर एक और पड़ा भी अपन ने थोड़ी देर पहले, कौन सा? रजत जलप्रपात। ठीक है, तो रजत जलप्रपात भी आपका जो है तवा नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपका राहतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राहतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखिए राहतगढ़ से सबसे पहले कौन सी नदी निकलती है? तो यहां से निकलती है दोस्तों बेतवा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बेतवा नदी। ठीक है, इसी बेतवा नदी पर स्थित है राहतगढ़ जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है और कहां पर है? तो पी फॉर क्या पड़ा था? पी फॉर पांडव और पी फॉर पन्ना। तो ये पन्ना में है, पन्ना से कौन सी नदी गुजरती है? तो केन नेवाड़ गुजरती है। यहां पर केन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केन। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो के 20 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आपको यह अच्छे से याद नहीं हुए हैं तो एक बार वीडियो को जरूर देखें। यदि आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना होगा। टेलीग्राम पर यदि आप सर्च करेंगे सॉफ्ट स्टडी तो वहां पर हमारा जो है आपको चैनल मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।